चलो हरि ओम। कहाँ चलना है मम्मी, क्या प्लान है आपका? हरे राम, मार्केट। मार्केट क्यों करने? इधर क्यों? मतलब मेरे को तो बता नहीं कहाँ चलना है। सेल में। कौन सी सेल में जाना चाहती हो? पटवे के आगे की सेल में। तेरे बताया तो आपने मंदिर का नाम लेके निकाला था हमको। चलाक दोस्तों, मेरी मम्मी इतनी चलाक है कि कुछ और बोल के कहीं और ले जाती है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और अभी हो रहे हैं 11:30 बज रहे हैं आज 11 से। तो मेरी मम्मी हर 11 से राधा कृष्ण मंदिर जाती है, तो अभी भी जा रही है। तो मैं पहले शादी के काजू तो शादी के पहले मैं मम्मी को ले जाया करती थी, तो आज फिर से ले जाती हूँ। और कल मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि कल हमको शादी में जाना था, जिस कारण मैं यहाँ आई थी। और वो शादी तो जा नहीं पाई, काजू की तबीयत खराब थी। रात में भी काजू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अभी थोड़ा ठीक है। बट इसको दोपहर में मैं इसको डॉक्टर को दिखा के लाऊँगी। फिलहाल चलते हैं मम्मी के साथ में मंदिर। काजू चल रहा है मंदिर? काजू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट घूमने के नाम से जा ही रहा है। चले नानी कहाँ गई? मम्मी वहाँ से फ्रूट्स ले रही है। और गग्गा दिख गई काजू को। ओए गग्गा क्या खा रही है? मम्मी आ रहे हो क्या? जल्दी आ जाओ। नानी क्या लाई है? क्या लाई हो आप? ऑरेंज लाई हो? ले पकड़। पकड़े गेट खोलो और काजू को बिठा लो। काजू आगे बैठोगे? काजू को तो यहाँ बैठा दिया है। गर्म हो रही थी सीट काफी, इसलिए मैंने छोड़ बिठा दी है। नानी बैठ गई है पीछे गरम-गरम सीट में। चलो नानी को देख रहा है काजू को। नानी हाय बोलो। हाय काजू। चलो बाय काजू। बाय खुशबू। खुशबू चलना है? खुशबू चलनी नहीं। काजू बाय कर लो। बाय। खुशबू की तो दे रहा है, क्या हो रहा है? काजू को एकदम मस्ती आ रही है, मजा आ रहा है उसको। काजू क्या हुआ बेटू? अब मंदिर पहुंच के मिलते हैं। काफी पीछे किसकी हुई है, तो मम्मी को अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसलिए पहले सीट आई कर देते हैं। आप कंफर्टेबल हो नानी? चलो। मंदिर तो आ गया पर शायद पट बंद हो गए। अब पता नहीं, मम्मी अभी जा तो रही है, अब क्या होता है। मम्मी तो पहुंच गई है, पट बंद हो गए। मम्मी बाहर से पूजा कर रही है। रोक दो यहाँ, दो ऐसे करो, दो 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 जल्दी। काजू काजू को भगवान यहाँ पे क्या बंद हो रहा है ना, पर तो काजू को दिख ही नहीं रहा है कि ढोक किसके देना है। कंफ्यूज हो गया। जैसे करो मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। और अभी 12 बजने वाले हैं शायद। चलो जल्दी से परिक्रमा करके अब चलते हैं। मम्मी ने तो कर ली है। काजू को तो मंदिर में मजा आ रहा था, भाग रहे। अरे क्या भाग रहे? अरे क्या भाग रहे हो भाई? काजू जी सुनो जी, ये देखो जी धोक दो। अरे वाह भैया, सर झुकाता है मेरा बेटू। चलो हम ना तो तिलक लगाएंगे। जे तिलक लगा लिया। और काजू को भी लगाएंगे। जे लगा लिया। यहाँ पे मंदिर के बाहर भजन चल रहे हैं। मम्मी वहीं पे ही है अभी, तो भजन कर लिए। तो काजू मम्मी यहाँ बैठ कर शाम में पान मिलता है, पान के पत्ते। और यहाँ के गेट देखो कितने ज्यादा बड़े हैं। भी आ गई है मम्मी, हंसती रहती है। आ गई नानी। हरिओम। चलो हरि ओम। कहाँ चलना है मम्मी, क्या प्लान है आपका? हरे राम, मार्केट। मार्केट क्यों करने? इधर क्यों? मतलब मेरे को तो बताया नहीं कहाँ चलना है। सेल में। कौन सी सेल में जाना चाहती हो? पटवे के आगे की सेल में। तेरे बताया तूने आपने मंदिर का नाम लेके निकाला था हमको। अरे नहीं तो आती हूँ मैं ऐसी टाइम पे। चालाक दोस्तों, मेरी मम्मी इतनी चालाक है कि कुछ और बोल के कहीं और ले जाती है। तो चलो चले, जहाँ नानी बोल रही हूँ वही चलो। ये मेरी मम्मी का अंधविश्वास है या विश्वास है, पता नहीं क्या है। अगर कोई आपके सामने खाली बर्तन लेके आ रहा है यहाँ पे हेडपम्प वगैरह पे, तो उनको पानी पी के बाद जाने देती है, बोलती है, नहीं तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाता है। तो मम्मी ने हमको रुकवा रखा, जब तक ये भैया पानी नहीं भरेंगे तब तक हम निकल नहीं सकते। देखो
अब क्या करें मम्मी चल चले नहीं उस तो मम्मी के साथ ट्रेवल करना इतना बिजी नहीं होता मम्मी के इतने सारे अंधविश्वास है इतने सारे अंधविश्वास है बोलते काम बिगड़ जाएंगे तो पता नहीं है कितनी देर में अंकल पानी भरे हो कितनी देर में हम निकलेंगे यहाँ से पता नहीं है मम्मी को अचानक पनीर और मावा दोनों लाने की इच्छा कर रही तो मैं पनीर और मावा दोनों लाने जा रही हूँ और काजू दन क्या बोल रहा है काजू क्या बोल रहे हो मम्मा को क्या बोल रहे हो मम्मा आ रही है अभी 2 मिनट में लाओ 2 पैसे परेशान हो रहा कुछ दर्द हो रहा बेटू यहाँ पे इसमें बनाएंगे गाजर का हलवा है ना बेटू और पनीर की सब्जी वैसे तो मैं मम्मी के लिए एक रेसिपी बनाने वाली हूँ आलू की क्योंकि मम्मी कल व्रत है शायद मैं भी व्रत रख लूँ कल वो है कल क्या मम्मी महाशिवरात्रि कल तो शायद मैं भी व्रत रख लूँ वैसे मैं बहुत कम व्रत रखती हूँ तो कल देखते हैं रखते नहीं रखते तो चलो अब घर पहुँचते जल्दी से पता नहीं घर कितने देर पहुंचेंगे क्योंकि मम्मी तो एक सेल पता नहीं कहाँ लगी हुई वहां ले जाने की मूड में भी पीछे बैठे बैठे भी हंस रही है कि भैया आज तो फंस गई दृष्टि मम्मी को बस फंसने वाला चाहिए कोई ना कोई किसी ना किसी को फंसा लेती है आज मेरा नंबर है रामगंज मंडी का मार्केट जो कि अभी क्राउडेड नहीं लग रहा है यहाँ पे मम्मी ने पता नहीं कहाँ पे सेल ढूंढ ली ये होती है ना सेलें लगी हुई है यहाँ पे तो मम्मी आई है ये ब्लैक वाले कप ले लो नहीं ब्लैक मम्मी को ब्लैक से भी नफरत है मम्मी ने ब्लैक कप नहीं लिया मम्मी देखो रंग बिरंगे कप लेके ब्लैक नहीं लेगी देख रहे हो मम्मी का ऑब्सेशन अजीबो गरीब टाइप का काजू के लिए टॉय भी ढूंढते चलो टॉय खरीदेगा रुक जा ढूंढती मम्मा कुछ ना कुछ ढूंढेगी काजू क्या लेंगे जल्दी आप तू आप ही बता दो क्या लेना है क्या लेना है बोलो जुकाम बड़ा तेज हो रहा है क्या चाहिए बोलो यहाँ पे ये स्लीपर मुझे काफी अच्छी लग रही है काजू की साइज के छोटे चश्मे मिले फाइनली मम्मी को इतनी सारी फालतू चीजें खरीदने से रोकने के बाद में अब आते हैं और काजू परेशान हो रहा पता नहीं काजू क्या चाहिए पता नहीं काजू क्या ऑरेंज चाहिए क्या इसको अब इसको डॉक्टर के ले चलेंगे कोई कचौरी खाने की इच्छा करी थी पर ये वाली दुकान से कचौरी वहाँ से लेते वहाँ कहीं कहीं मिलती हो तो और जगह कहीं आगे चले कचौरी भी लेंगे पता नहीं अचानक क्या मम्मा के साथ ड्राइविंग करेगा ये लड़का आ जा काजू मेरे पास में चलो बिठाई काजू आज ना मम्मा के साथ ही ड्राइविंग कर रहा है काजू ये उतरा ही नहीं काजू की तबीयत इतनी खराब हो रखी है इतनी चलो घर पहुंच के आपसे मिलते हैं कि ड्राइविंग करते करते नहीं पॉसिबल हो रहा है व्लॉगिंग करना तो चलो बाद में मिलते नानी से सामान लेते हैं ये देखो क्या क्या लाई है मम्मी राम बाकी सामान एक और बार लेके आती हूँ काजू यहाँ एक और नानी के साथ खेल रहा है काजू कौन है ये मम्मी मम्मी बोली मेरे को निकाले थे तो मम्मी फंस गई इतनी हेल्दी है मम्मी की क्या ही बोलूं ये पनीर दोस्तों सामान रख के गए मम्मी अभी तो यही बैठी हुई मतलब मम्मी को है ना कुछ कुछ लाना पड़ेगा क्रेन व्रेन निकालने के लिए बाहर ले निकालो लाओ लाओ दो क्या क्या सामान है इतनी मुश्किल से मम्मी को मैंने रोका सामान खरीदने से सेल वाले क्या लिटरली मुझे लड़ना पड़ा था मम्मी से कि मम्मी ये फालतू चीज़ है ये नहीं लेना मतलब मम्मी ने दिमाग खराब कर दिया मेरा वहाँ पे